आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा सनम के साथ। आज के मुद्दे में हम जम्मू कश्मीर के उन मामलों पर नज़र रखेंगे जहां कहीं न कहीं ज़रूरत है नज़र रखने की, सरकार तक बात पहुंचाने की। आपको बताएं, कल ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में पब्लिक एड्रेस जो किया, जो ग्रीवियंस में उनसे लोग मिले, तो अक्सर कश्मीर या यूँ कहें श्रीनगर और जम्मू के अक्सर लोगों का जो अपने अपने इलाके के मसाइल उनके सामने रखे गए, वहीं ये मसला भी शहर श्रीनगर और जम्मू में लोगों ने बताया कि श्रीनगर और जम्मू में ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अभी भी नाकारा है और यहाँ 2 इंच की बारिश हो जाए तो फिर शहर श्रीनगर का हो या जम्मू का हो, सैलाब का या सैलाबी सूरतेहाल का सामना करना पड़ता है। ये मुद्दा। और आज की अगर बात करें, हम तस्वीर श्रीनगर की दिखाएं, जम्मू की दिखाएं। जम्मू के हवाले से आपको आज की खबर का मालूम ही होगा, वहाँ पे जो हुआ है आज सुबह से, जिसमें 4 मिलिटेंट मारे गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर की हम तस्वीर दिखाएं तो ये खूबसूरत कश्मीर चिले कलान में, और चिले कलान में ये तस्वीर श्रीनगर की बाईपास के इलाके की, और बाईपास के इलाके की इन तस्वीर के साथ ही बहुत से मामलात नजर आ रहे हैं। और इन्हीं तस्वीर के बीच में अगर हम श्रीनगर का हाल अहवाल आपको बताएं तो श्रीनगर की ये तस्वीर जो है, ये श्रीनगर के बिमना के इलाके में जो नया बच्चा अस्पताल है वो बनाया गया है, उसके बाहर की तस्वीरें। तो यहाँ पे जो आवाम को मुश्किलात के मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो भी अपनी जगह पे, अस्पताल बनाया तो है लेकिन वहाँ पे जो ज़रूरती ज़िंदगी है वो नहीं है, ख़ासतौर पे यहाँ पे जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो नहीं हैं। उसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला ये बाईपास पे है, ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक रश रहता है इस पर, और यहाँ पे क्रॉसिंग जो है पेशेंट्स को एक बड़ा मसला होता है, चाहे वो नॉर्थ से अगर कोई पेशेंट आ जाए बच्चे को लेके। लेकिन हम श्रीनगर में एक और परेशानी से, जिस तरह हमने कहा कि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो फिर श्रीनगर में ड्रेनेज जो है वो नाकस ड्रेनेज होने की वजह से पानी चढ़ जाता है। जम्मू में भी यही सूरत हाल है, जम्मू में वर्ल्ड श्रीनगर और जम्मू में वर्ल्ड बैंक एडेड जो है नए जो है ड्रेनेज प्लांट्स जो है वो लगाने की बात की गई थी, लेकिन उस पर काम जो है वो रुका पड़ा है। ये काम क्यों रुका पड़ा है, हम श्रीनगर चलेंगे, फैसला हमारे साथ बताएंगे काम क्यों रुका पड़ा है। उसके साथ साथ जम्मू भी हम जाएंगे रितिका राजपूत के पास, और फिर हमारे साथ गुलाम जिलानी साहब भी रहेंगे, हम उनसे भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले फैसल, आप बताओ श्रीनगर में ये जो ड्रेनेज सिस्टम है नाकारा है, रुकावट की वजह क्या है, क्या बताई जाती है? देखिए सर, हम आपको पता होगा कि 2014 के बाद उसके तरफ से कुछ फंड दिया गया था, कुछ दिया गया था कि उसमें से करीबन 102 करोड़ रुपए ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए दिए गए थे। उसके साथ साथ डिवाटेशन जो यहाँ पे थे उनको ठीक करना था, कुछ को नया बनाना था और कुछ जो खत्म हो चुके थे उनको अपग्रेड करना था। उसके लिए 49 डिवाटेशन जो है आइडेंटिफाई किए गए थे, इनको इसमें से कुछ नए बनाने थे और कुछ की जो है मरम्मत करने थे, अपग्रेड करने थे। लेकिन करीबन 1 साल हो गया है इन डिवाटेशन पे काम रुका हुआ। क्यों रुका हुआ है कि जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो फंड दिया गया था और जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि आप ये काम करें, उन्होंने काम तो किया लेकिन उनका जो पहला डीपीआर जो बना था, जो बजट था डिवाटिंग स्टेशन का, वो 102 करोड़ था। तो उसके बाद ये इसमें वेरिएशन आई, 102 करोड़ के बजाय 124 करोड़ रुपए खर्चा हुआ इसमें लगा, लेकिन 102 करोड़ रुपए ठेकेदार को दिए गए लेकिन जो बाकी पैसा बचे वो उनको नहीं दिया गया। हालांकि कई मीटिंगें उनके साथ हुई, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुई, नई मीटिंगें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। आप मैं बता दूंगी, जो वर्ल्ड बैंक फंड है उन्होंने 2 एजेंसी को यहाँ पे हायर किया था इसके लिए, एक तो SMC कमीशन उनके साथ कोलेबोरेशन में थे, उसके साथ जो एक जेके एरा है यानी इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी वो इसके साथ है, पैसा वैसा सब इन्हीं को, जो मॉनिटर जो है काम वो एरा को कर रहा था, पैसे उनको देने थे और वर्ल्ड बैंक की तरफ से उन्हीं को हायर किया गया था। उसके CEO भी जो है वो आबिद रशीद है, जो इसके साथ बाकी अमला भी वहां पे जिनको ये काम अंजाम देना था। लेकिन करीबन 1 साल हो गया है इन डिवाइडर स्टेशन पे काम शुरू हुआ था लेकिन फिर वो बंद हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ठेकेदार को पैसे नहीं दिए, उसने अपना सारा सामान वहां से उठाया। आज अब अगर विंटर्स में बारिश ज्यादा होती है, बर्फबारी होती है, तो हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि श्रीनगर की सूरत हाल फिर से खराब हो सकती है। आपने फैसला बताया काम रुका पड़ा है, क्या काम मुकम्मल होकर रुका पड़ा है या आधा होकर रुका पड़ा है? पैसे तो बाद की बात है, पहले बताइए काम मुकम्मल हुआ है या आधा ही छोड़ के रुका पड़ा है? देखिए उसमें आधा काम हुआ है, आधा रुका पड़ा है, जरा बस इतना ही आपसे, जरा रुकिएगा आप। रितिका राजपूत जम्मू से हैं, रितिका जम्मू की सुरतियाल भी बताइए, क्या है सुरतियाल? SMC से लेके इराक के लोग क्या कहते हैं पानी के ड्रेनेज के हवाले से, निकासी के हवाले से?
जी, अगर ड्रेनेज सिस्टम के हाल की हमें बात करनी है तो हमें एक ही चीज पे नजर डाल के पूरे हाल के बारे में जान सकते हैं। जब भी बारिशें होती हैं तो नालियों का गंदा पानी पूरी सड़कों पे भरा होता है, तो इतनी सी तस्वीर काफी है ड्रेनेज सिस्टम जो जम्मू का है उससे एक्सप्लेन करने को लेके, यानी कि हल्की बारिश होने पे जम्मू की सारी नालियां सारे नाले भर जाते हैं पानी से, सारा नालियों का गंदा पानी आ जाता है सड़कों पे, और उससे भी बड़ी बात जो नाले हैं उन्हें सीधा जम्मू तवी रिवर में कहीं ना कहीं उस तरफ किया गया है। तो यहां से ये पता चलता है कि जम्मू में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फुलफ्लेज नहीं है, फुलफिल नहीं करता है उन सब नीड्स को जो कि पूरी की जानी चाहिए लोगों की तरफ से। रितिका, जरा जानना चाहेंगे, आपने एसएमसी दूसरे अधिकारियों से बात की थी, क्या बता रहे हैं ये जम्मू में जो सही से ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, इसके लिए जो बाजार तौर पर प्रोजेक्ट वगैरह बनाए थे वो कहाँ पहुंचे, क्या काम हो रहा है उनपे, नहीं हो रहा है? जी, आपको बता दें कि बहुत सी जगहों पे काम शुरू करवाए भी गए थे, पर अभी का हाल ये है कि बहुत सी जगहों पे काम पूरे नहीं हो सके हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि फंड्स की कमी है। फंड्स की कमी होने की वजह से आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे कार्य जो शुरू हुए भी थे उन्हें भी रोक दिया गया, वो भी पूरे नहीं हो पाए, जिसके चलते यहाँ पे खामियाजा जो है वो आम जनता को चुकाना पड़ता है, क्योंकि ये जो गंदगी फैलती है उस गंदगी की वजह से भी लोगों को दिक्कत होती है, और ड्रेनेज प्रॉपर ना होने की वजह से शहर की साफ सफाई जो कि स्मार्ट सिटी जम्मू कहा जाता है उसपे भी कहीं ना कहीं दाग लगता हुआ जरूर नजर आता है। चलिए, ये तस्वीर जम्मू की भी है, वही तस्वीर जो कश्मीर की है, कुछ बदला नहीं है, कुछ इधर उधर नहीं, कोई ये बताएगा कि जम्मू ज्यादा खा गया या जम्मू में कोई ये बताया गया कश्मीर ज्यादा खा गया, दोनों तस्वीर का एक ही रुख है। तस्वीर के यूजुअली दो रुख नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में अक्सर कहा जाता है कि दो रुख हैं, और यही मामला है। हमारे साथ जो चेयरमैन हैं कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के गुलाम जिलानी साहब, गुलाम जिलानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप ठेकेदार लोग जो हैं, आप वालेकुम सलाम, बहुत नवाज़िश आपकी, जरा आप ठेकेदार लोग हैं, आपके ठेकेदारों ने काम शुरू किया फिर काम बंद कर दिया, क्यों काम बंद कर दिया, क्या ये मुसीबत आने वाली है शहर में जैसे बारिश पड़ेगी, आपकी वे जिम्मेदारी तो ठेकेदारों की भी है ना? जी सर, ये मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी आपकी जो ये कॉरेस्पॉन्डेंट जो कश्मीर वैली से है ये बता रहे थे, इन्होंने मुझे लगता है कि पूरा इस पे सर्वे किया है, जो हमारा जो कंट्रैक्टर जो इसके थे जिन्होंने ये एरएसए ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था 102 करोड़ रुपया, हालांकि उन्होंने वो 102 करोड़ रुपया अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन इसमें और एक्सटेंशन उनको देना चाहिए था गवर्नमेंट को, एक साल से वो कॉन्ट्रैक्टर दर बदर की ठोकरे खा रहा है जो ये काम कर रहा है, एक साल से एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर काट रहा है कि जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है 102 करोड़, मैंने अपना वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया, लेकिन अब जो इसमें पड़ा हुआ काम है इसकी मुझे अप्रूवल दीजिए ताकि मैं ये काम नहीं, क्योंकि 2019 के बाद पहले तो हमारा यहाँ ये चलता था कि हम बियॉन्ड अलॉटमेंट भी 25% जो हमारा अग्रीमेंट 64 हुआ करता था वो हम बियॉन्ड जो हमारा जो अलॉटमेंट होती है 25% हम काम कर सकते थे, लेकिन 2019 के बाद यहाँ पूरा चेंज हो गया, अब इन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ये फैसला लिया है कि बियॉन्ड अलॉटमेंट ट्रेजरी किसी भी कंट्रैक्टर को पेमेंट नहीं करेगी, यही मसला हुआ, वो जो कंट्रैक्टर जो आपने देखा जो आराम हाथ में काम लिया था तो उसको वो कंट्रैक्टर बेचारा इस वक्त दरबदर की उन्होंने बियॉन्ड अलॉटमेंट भी उनको ऑफिसर साहिबान ने किया कि ये हमें काम कंप्लीट करके दे दो, अब उसने 10 करोड़ 5 करोड़ उसको ज्यादा एक्स्ट्रा काम किया, लेकिन कागजात उसके नहीं बनते हैं, हालांकि गवर्नमेंट की उसकी अप्रूवल अभी तक नहीं आई, यही वजूहत है कि ये जो ड्रेनेज का सिस्टम जो यहाँ पर जितने भी ये पंप स्टेशन बनाए हुए है उसने काम बंद कर दिया, और उसने कहा कि मुझे पहले बियॉन्ड जो अलॉटमेंट है इसकी मुझे एक ताकि मैं काम कर सकूं, यही वजूहत है। मैं जरा बिलाल जिलानी साहब, ये लगभग 40 के करीब जो हैं, ये 40 के 40 से ज्यादा जो हैं जो हमारे पंप स्टेशन हैं जो अभी काम नहीं कर रहे हैं,
तो उनको उनको पहले तो 10-15 तो करने थे, 5-6 अगर रह जाते बाद में वो अलग से बात थी, लेकिन 40 के करीब पे खाली का ऐसे रखना। बोचे पंप है जो इस वक्त फंक्शनल है। अब इसको जितने भी ये थे उन्होंने जब मामूली सा थोड़ा सा काम बचा हुआ है, लेकिन ये बदकिस्मती है कि एक साल से मुझे लगता है कि वो कंट्रैक्टर एक दफा उन्होंने मीडिया के पास भी वो कंट्रैक्टर गया था, वो मैंने सोशल मीडिया पे उसने उसको ये कहा गया था, किसी चैनल वाले ने उसको सवाल किया था कि आपने यहाँ पर रखे है ये काम आप कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे हो, उसने यही बयान दिया था कि मैं एक साल कमिश्नर या जो यहाँ के राके मुकाम है या कमिश्नर म्यूनिसपलिटी है मैं सब जगह घूमूंगा, लेकिन अभी तक जो मेरे कागजात है या मेरा जो 5 करोड़ है या 10 करोड़ जो फंसा हुआ है वो अभी तक मुझे वो रिलीज नहीं होता है, यही वजूहत है कि वो बेचारा अभी भी दर बदर की ठोकरें खा रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए वो, मैं उस पे आऊंगा, वो संजीदगी के साथ ये मसले हल करे, क्योंकि ठेकेदारों के बहुत से मसाइल है हमारे बहुत से प्रॉब्लम है, वहां से टेंडर निकाला कहीं साइट नहीं मिलती है, वहां से टेंडर निकाला कभी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं होती है, कभी टेक्निकल सेंक्शन नहीं होती है, यहाँ पर यहाँ जो टेंडर नोटिस निकलती है उसमें बाज़ाब्ता ये दिखाया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इज अकॉर्ड, टेक्निकल सेंक्शन इज अकॉर्ड, लेकिन बाद में जब ये फंड आर अवेलेबल, बाद में जब यही ठेकेदार ये काम कंप्लीट कर रहा है, न एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होती है न टेक्निकल सेंक्शन होती है, फिर इसको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है वो टेक्निकल सेंक्शन ले, क्योंकि अब जो ट्रेजरी में है तब तक कोई बिल वहां वो पेमेंट रिलीज नहीं करते हैं जब तक उनके पास तमाम लवाजमात नहीं होंगे, ये 2019 के बाद के हुआ है सर। एक आपने बात और खड़ा कर दी, ये टेक्निकल अप्रूवल जो है या टेक्निकल सेंक्शन जो है अप्रूवल जो है ये क्या आपको ही ठेकेदार को ही लाना पड़ता है, ये तो अपने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है उसको लेके लाना, क्या ये आप ठेकेदार को लाना पड़ता है? देखिए गवर्नमेंट ने एक ये अच्छा इकदाम बनाया था कि जो सिस्टम होना चाहिए था 2019 से, यहाँ के जो फाइनेंशियल कमिश्नर जो आजकल चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे हैं उन्होंने बाज़ाब्ता इसमें यही लिखा कोई भी डिपार्टमेंट तब तक कोई हम हाथ नहीं ले जब तक ये लवाजमात नहीं पूरे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सेंक्शन या फंड्स, जब तक 50% फंड्स इसके रिलीज नहीं हो जाएंगे। ये एक अच्छा मुद्दा है, ये ठेकेदारों ने इसको अप्रिशिएट किया, लेकिन बदकिस्मती है अभी सरकारी दफ्तर ऐसे भी है वो टेंडर नोटिस पे ये लिखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अकॉर्ड, लेकिन बाद में वो टेंडर उसमें नहीं होती जब या टेक्निकल सेंक्शन है लेकिन बाद में वो नहीं होती जब ठेकेदार कंप्लीट या फंड्स आर अवेलेबल, बाद में जब ठेकेदार काम करता है काम कंप्लीट करता है लेकिन जमीनी सूरत पे वो कहीं नहीं होता है, फिर वही टेक्निकल सेंक्शन या इसके बाद अब जी जाइए एससी के पास जाइए वहां से टेक्निकल सेंक्शन लीजिए, अब जी आप उस डिपार्टमेंट जिसके हम काम कर रहे हैं चाहे हेल्थ की हो या एजुकेशन की हो अब वहां जाइए वहां चिट्ठियां ले लें उनसे फंड्स वापस ले लें, अभी बाकी और जरूरी थोड़ा सा मैं आपको बता चलूं कोई सिस्टम थोड़ा सा हुआ था ठीक होने को आ रहा था, लेकिन बदकिस्मती है अभी भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है कि जो ये अभी कर रहे हैं क्योंकि टेक्निकल सेंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव आप जी काम करें या कोई अफसर बड़ा अफसर कहता आप जी काम कीजिए लेकिन बाद में हम करेंगे हम 2 दिन में देंगे 5 दिन में ये DDOs तो बोलते हैं वो करेंगे लेकिन फिर नहीं करते तब तक जब तक मैं ठेकेदार या बाकी जो भी एजेंसी हो उनके पास पहुंच जाए या उनके साथ रابطہ करे बाकी मसले जो हो वो न करे तब तक ये नहीं होता है। जिलानी साहब मैं आपसे 1 मिनट की इजाजत लेना चाहूंगा क्योंकि मेरे साथ मुझे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है, हम लेंगे एक छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जम्मू कश्मीर की सरकार कई कोशिशें कर रही है, उन कोशिशों में कितना कामयाब हो रही है हमारा मुद्दा मकसद उनको बाखबर करना उनको बताना, लेकिन एक पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा।
ये जिस्म, ये जिल्द सब मिट्टी से बने। नहीं, जिल्द तो प्रोटीन से बनी है ना अम्मी? हाँ, जिल्द में 60% प्रोटीन है। और ये है क्लिनिक प्लस साबुन, इसमें भी प्रोटीन है। जिल्द में प्रोटीन, साबुन में भी प्रोटीन। क्लिनिक प्लस का पहला प्रोटीन से लैस साबुन, जो दे सेहतमंद दमक। आज कुछ अलग रियाज करते हैं, सुरों के साथ नहीं चुस्कियों के साथ करते हैं। सुकून से बैठना भी एक कला है, आज इसी का रियाज करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ, और हम हालात पे भी नज़र रखते हैं, सियासत पर भी बात करते हैं, ज़मीनी हकायक को उजागर भी करने की कोशिश करते हैं। आज हमने मुद्दा उठा रखा है श्रीनगर और जम्मू, दोनों बड़े शहर, दोनों कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर, और दोनों शहरों की सूरत हाल वही है। वही उसी तरह का काम कश्मीर में भी, उसी तरह का काम जम्मू में भी। जम्मू में भी लोग सर पीटते रहते हैं, कश्मीर में भी लोग सर को दबाते रहते हैं, क्योंकि मामला यही है। अक्सर लोग यही कहते हैं कि ऊपर से अहकाम आते हैं, लेकिन निचली सतह पर उन अहकाम को उस तरह से अमलाया नहीं जा रहा है। और अभी जो हमने सुना, हमें गिलानी, गुलाम गिलानी बुर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनने बताया कि अब ये टेक्निकल सेंक्शन, फंड से अप्रूवल, ये सब कुछ उन्हें खुद ही लाना पड़ता है। ये वो मामला थे जिन पर सरकार को सोचना पड़ेगा कि अगर ये सरकार का काम है, डिपार्टमेंट का काम है, तो ठेकेदार क्यों लाएगा। और जिस तरह से सभी कामों के निकाह मुकम्मल हो चुके हैं, ज़रा फैसल से जाना चाहूँगा। फैसल, हमारे जो ड्रेनेज में जो बनाने थे, जो पंप शेड्स वगैरह लगाने थे, WHO वर्ल्ड एडेड में थे, पैसा वर्ल्ड बैंक ने दिया था, उसमें कितने लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, कितने और कंप्लीट होने हैं, कितना टाइम और लग सकता है? आपने जो ग्राउंड पे देखा, क्या बताया, देखा नजर आया आपको? देखिए सर, सबसे पहले अगर हम बात करें इन डिवाइडर स्टेशन की, पंप स्टेशन की, ये एक प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट था और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने भी इसको माना था, क्योंकि जब सैलाब आया था तो ये वही डिवाइडर स्टेशन थे जिन्होंने अहम रोल अदा किया था सैलाब से बचाने के लिए। तो अब इसमें एक नई कुछ अपग्रेडेशन लानी थी, कुछ वो डिवाइडर स्टेशन कंप्लीट हुए थे उनमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगाना था जिसे स्कॉडा सिस्टम कहते हैं, यानी जब भी कभी भी बारिशें होती है, इन टैंक्स में पानी फुल आता है, तो फिर एक बंदा वहां पे रहता था, मुलाजिम रहता था, वो स्विच ऑन करता था, ये पानी जो है बाहर जाता था। लेकिन उसमें अब सिस्टम लगाना था, जो एक ऑटोमेटिक सिस्टम था, स्कॉडा सिस्टम, जैसे ही टैंक फुल होता तो ये ऑटोमेटिकली पानी को बाहर फेंकता। तो एक इंपॉर्टेंट इशू था इसमें लगाने का। तो ये करीबन 16-17 लाख रुपए का ये सिस्टम आता था जो इन पे लगाना था। कुछ पे लगाया गया था, जब ठेकेदार को पैसे नहीं मिले उसने ये उठाया। हमने खुद ठेकेदार से बात की, उसने बाध्यता तौर पर ये कहा कि मैंने खुद ये वहां से उठाए क्योंकि मेरे पास लोन है, मेरे पास मुलाजिम है, उन मुलाजिम को पैसे देने हैं, मुझे बैंक का कर्जा है, मुझे बैंक को पैसे देने हैं, तो अगर गवर्नमेंट मुझे नहीं देती है तो मैं साफ जाहिर है कि मैं काम बंद करूंगा। तो मुकम्मल तौर पर अगर हम बात करें 40-50 जो स्टेशन में से मैक्सिमम जो है वो अभी भी बैठे हुए, उनमें वो डिफंक है, वो इस वक्त ऑपरेट नहीं है, और कुछ कंप्लीट हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो पुराने थे जिनको अपग्रेड करना था। वहां पे थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन तो हुई, लेकिन फंक्शन अभी वही पुराना ही सिस्टम, यह नया सिस्टम वहां पे अभी फंक्शन नहीं हुआ है। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, अगर बारिशें थोड़ी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि विंटर है, बर्फबारी होती है, तो ये हम कह सकते हैं कि साफ तौर पर कि 2014 जैसी सूरत हाल बन सकती है। जब डिवॉटिंग स्टेशन नहीं आएगा, ड्रेनेज से कोई पानी नहीं निकलेगा, या जो यहाँ की फ्लड चैनल है वहां पे पानी नहीं जाएगा ड्रेनेज का, तो साफ जाहिर है कि सूरत हाल बहुत ज्यादा हो सकती है। अब कई बार इस मसले को उठाने भी लाया, मीडिया हाउसेज ने भी सामने, करीबन साल हो गए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई एग्जाम नहीं उठाया गया था जिससे ये डिवॉटिंग स्टेशन से फिर से काम चले। हालांकि कुछ दिनों पहले इसी वर्ल्ड बैंक के हवाले से कुछ और बातें सामने आई थी कि जो ड्रेनेज बनाया गया था कुछ इलाकों में श्रीनगर के, वहां पे भी ठेकेदार को पैसे नहीं दिए गए, उन्होंने भी काम आधा ही छोड़ा है, उसके पैसे भी बकाया, तो उसको पैसे नहीं दिए गए, उसने भी काम ऐसे ही छोड़ा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, अपने फंड से तो गवर्नमेंट नहीं कर सकी, जो लोकल फंड था या सेंट्रल फंड था यहाँ का, उससे तो गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सके। लेकिन अब जो फंड एड आ रहा है वर्ल्ड बैंक के फंड से, जो पैसा आ रहा है, वो भी अब अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। आपको एक बात और बता दूं कि आपको पता होगा, कुछ महीने पहले GB जो बोनियन जॉइंट हॉस्टल है वो जल गया था, तो वहां पे भी वर्ल्ड बैंक के फंड से ही नया हॉस्टल बन रहा है जो कि बरजुला में है, वो उस पे भी सुस्तगी से काम कर रहा है। आपको पता होगा 2014 में सैलाब आया था, लेकिन 2019 में नया हॉस्टल बनाया गया, तब इन 5 सालों में हॉस्टल बना ही नहीं क्योंकि लोकल फंड के जरिए वो बनाया ही नहीं कोई अप्रूवल आया। जैसे वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया उसके बाद ही 2019 में उस पर काम स्टार्ट हुआ, 2019 से वो हॉस्पिटल बन रहा है। इस वक्त जो बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, वो अनसेफ है, 2014 में ही सैलाब के बाद उसको अनसेफ करा दिया गया था, जो वहां की पुरानी। अब अगर हम कुल मिला के बात करें, जो वर्ल्ड बैंक, जरा रुकिएगा फैसल, जरा रुकिएगा, गुलाम जिलानी साहब मेरे साथ हैं। जिलानी साहब,
ये जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये सिर्फ इसी एक डिपार्टमेंट में या हर डिपार्टमेंट में आपके फंड्स वगैरह डाइवर्ट हो जाते हैं? क्या आज भी फंड्स वगैरह डाइवर्ट होते हैं? और जिस तरह इन्होंने बताया कि ठेकेदार अब वो स्क्वाडा की स्क्वाडा ही ले गया है, उसको पैसे नहीं मिले तो उसने वो कर ले गया है, तो क्या ये सिर्फ यहीं पर हो रहा है या बाकी डिपार्टमेंट आज नहीं होते हैं जी? लेकिन लेकिन मसला ये है कि जहां पर हमने एस्टिमेशन की, जेई ने एस्टिमेशन की है, ये लागत का तकमीना होता है, ये कंप्लीट नहीं होता, इसमें वेरिएशन होती है, क्योंकि हमने रखा है 1 करोड़, ये 1 करोड़ 10 लाख में भी बन सकता है, ये 1 करोड़ 20 लाख में भी बन सकता है, 90 लाख में, लेकिन जो जो इस पे हाँ ये क्योंकि ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो आजकल जो यहाँ पर सिस्टम एक किया गया ये 2019 के बाद कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो बियॉन्ड अलॉटमेंट जो उसकी है वो बियॉन्ड अलॉटमेंट उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसे नहीं देगा, या तो आपको दूसरा उसमें टेंडर निकालना पड़ेगा, या तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से लिख के लाना पड़ेगा, या इसको फाइनेंस की कंक्रीनेस होनी चाहिए तभी वो ट्रेजरी में उसको पेमेंट होनी। इसलिए इस वक्त जो भी कंट्रैक्टर जम्मू कश्मीर के कंट्रैक्टर जो भी है वो मोहतात से चलते हैं, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट है वो उनको विन अलॉटमेंट ही कंप्लीट करना है, इसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते हैं। मसला ये है सर, प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम है हमारी। देखिए इस वक्त यहाँ का जो स्मार्ट सिटी का एक अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, स्मार्ट सिटी बनाने में 40 साल हमारे जम्मू कश्मीर के ठेकेदारों और इंजीनियरों को इसमें लगे कि एक एक फुट हमने यहाँ पर ये किया था वाइडनिंग ऑफ रोड्स, क्योंकि यहाँ के ट्रैफिक के हालात देखकर, यहाँ के ट्रैफिक जाम के हालात देखकर, बदकिस्मत की है कि कोई प्रोग्राम आया स्मार्ट सिटी में, इसमें ये हम इसके खिलाफ नहीं है स्मार्ट सिटी क्यों ना बने, स्मार्ट सिटी बनने चाहिए, फुटपाथ अच्छे बनने चाहिए, रोड अच्छे बनने चाहिए, तो हम हक में है, लेकिन जो ये रोड सिंक कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि जो हम चंडीगढ़ की बात करें या बिरूनी रियासत की बात करें कि उनको वहां पर अल्टरनेट रोड्स है कि वो जो बनाएंगे वो ब्यूटिफुल बनाएंगे, उनमें कई फुटपाथ बड़े होंगे, साइकिल ट्रैक होंगे, लेकिन उनको बाकी जो वहां पर रोड्स है वो अल्टरनेट रोड्स है। अगर हमें लाल चौक जाना होगा, हमें मुझे लगता है 5 चौक से एक ही रास्ता है, अगर हम इसको सेट करेंगे तो जाएंगे कहां? हमने एक प्रोग्राम रखा था, जो पुराने हमारे इंजीनियर चीफ इंजीनियर साहिबान थे उन्होंने एक कनेक्टिविटी रखी थी बरजला और SMHS एंड सोबरा हॉस्पिटल, कोई भी एक्सीडेंट हो, खुदा ना करे कोई भी एक्सीडेंट सिटी में हो या कहीं से भी हो, इन तीन हॉस्पिटलों उन्होंने कहा था कि उस टाइम हम ये 6 लेन कर देंगे ताकि कोई भी एम्बुलेंस बिना रोक टोक के इनको वहां चले, इन तीन अस्पतालों को हम कनेक्ट करेंगे, बरजला SMHS और सिकमस, इनको कोई बदकिस्मती है स्मार्ट सिटी इस वक्त तरनगर का जो रोड है वो सिंक कर रही है, वो सिंक कर रही है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि वो हम उस पर कभी फिर बात करेंगे, हम उस पर कभी हमें बुर्जा साहब हम उस पर कभी फिर बात करेंगे। चलते चलते फैसल में जाना चाहूंगा। फैसल, आप जुलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन फैसल चलते चलते ये हमारे अस्पतालों की बात की, हमारा जो पीडियाट्रिक अस्पताल है वहाँ बाहर का हाल अहवाल आपने देखा, क्या देखा जरा वो भाई मुख्तसर बताइए। देखिए सर, हम आपको तस्वीरों में देख रहे हैं कि कितनी मुश्किलें पेशेंट्स को हाईवे क्रॉस करने में होती है, हालांकि इससे पहले भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा था कि कम से कम एक ब्रिज होना चाहिए ताकि आम लोगों को मुश्किलें न हो। आप देखिए नॉर्थ से लेकर साउथ से लोग वहां पे आते हैं अपने बच्चों को लेके, आप खुद देख सकते हैं कि वो तस्वीरों में किस तरीके से वो बड़ी मुश्किलातों से वो हाईवे क्रॉस करते, एक साइड से गाड़ियों का दर, दूसरे साइड से भी गाड़ियां आ रही है, अब मुश्किलें इतनी है कि वो परेशान हो चुके हैं, आप क्या करें। लेकिन आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक ऐसा कोई एग्जाम उठाया नहीं कि वहां पे एक फुट ब्रिज होता जैसे JVC में है कि एक फुट ब्रिज है, आराम से लोग वहां पे आ रहे हैं। अब दूसरा मसला ऐसा कि वहां पे मेडिकल शॉप भी नहीं है, आप देखिए इतने करोड़ों रुपये की बिल्डिंग वहां पे बनाई है, फैसिलिटीज भी नहीं रखी है, आप देखिए जो मेडिकल शॉप एक इंपॉर्टेंट वहां पे होना चाहिए था वो भी नहीं है, आप लोगों को वहां पे जो मेडिकल शॉप से JVC हॉस्पिटल में वहां पे जाना पड़ता है 1-2 किलोमीटर दूर, वहां पे आधा मिलता है आधा नहीं मिलता। चलिए फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और ये हमारा कश्मीर, ये हमारा जम्मू,
तस्वीर का एक ही रुख है, लगभग कुछ बदला नहीं है। वही हाल जम्मू का भी, वही कश्मीर का भी। और हमारे एलजी साहब ने कल ही मीटिंग की, लगभग 300 से ज़ायद जो सरकारी दफातर उनको ऑनलाइन भी किया, वो ऑनलाइन कराने के लिए शुरुआत हुई है। और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत कुछ मामला हमारे जम्मू कश्मीर में हैं भी, लेकिन उन्हीं गारंटीज़, उन्हीं ऑनलाइन सिस्टम या उन्हीं सरकार की कोशिशों के बावजूद भी अभी हमें ज़मीनी सतह पे उस तरह का बदलाव जो है वो दिखाई नहीं देता है। कमियां बहुत हैं, उन्हें दूर करने की ज़रूरत है और उन कमियों को उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। आज के मुद्दे से बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, आप रखिए अपना ख्याल, दुआओं मुझे भी रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगेबान हो। अल्लाह हाफिज़।